एक कोई समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल। हम तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला, बिहार का तो किसी का नहीं निकला। कल सुप्रीम कोर्ट कहाँ बीजेपी में बिहार में एको को टिकट बांटा, जरा नामों बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अब इसमें क्या कहें है? मेरी खुद की बेटी है, हम पिता भी तो हैं। अब इस पे क्या बोलो, 2019 में चौकीदार चोर है के बाद एक कैंपेन शुरू हुआ, मैं भी चौकीदार। अब लालू जी के भाषण के बाद परिवारवाद पे फिर से एक कैंपेन शुरू हो गया, मोदी का परिवार। क्या लगता है कि फिर से 2019 रिपीट होने वाला? चलिए अब आप लोग मानते तो है लालू जी के बाद का असर पड़ता है, बट वो अब हर जगह तेलंगाना में आप कहें, उनका कहना है। लेकिन क्या हालात है इस देश के, जो वो कह रहे हैं उनका परिवार, क्या किसान के लोग लाठी से पिटा रहे हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? अपने परिवार के साथ कोई इस तरह का काम करता है क्या, पिटवाने का? मिलने का समय नहीं है किसान से, क्यों नहीं मिल रहे भाई? क्या किसान खाली कहने के लिए परिवार है? कथनी अकड़नी में तो अंतर है। जनसभा में लाखों की भीड़ हुई, लेकिन भाजपा कह रही है भीड़ से कुछ नहीं होगा, वोट चाहिए चुनाव के लिए, वोट आप लोगों के पास सही है, ये बात भी जाएगा। काहेला हम लोग सबसे बड़ा पार्टी बन के आए, प्री पोल में सबसे बड़ा अलायंस बन करके आए, वो तो बेमानी नहीं होता। चंडीगढ़ जैसे तो सरकार बना लिए थे हम लोग तो 20 में। सब लोगों का योगदान है, और जो लोग कुछ भी कहते हैं वो अपना भी करके देख लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन आखिरी, वोट फॉर नोट का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज जो चार विधायक हैं उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट फॉर नोट के मामले में पार्टी कार्रवाई कर सकती है। नहीं, इसमें हम लोगों ने लिखित में हमारे सचेतक ने और हमने खुद भी स्पीकर महोदय को हमने लिख करके दिया है, तो निर्णय क्योंकि कानून तो है और इसमें एविडेंस भी है, और एविडेंस आप सब लोगों ने देखा ही था, कोई भी उधर का इधर आके नहीं बैठा, जो कुछ लोग थे इधर के ही उधर जाकर के बैठे हैं, ये तो सबसे बड़ा एविडेंस है। और परंपरा के हिसाब से वोटिंग के टाइम में जिसको जहां सीट अलॉट होता है उसको वहीं बैठना पड़ता है, तो इतना बड़ा सबूत है, तो हम तो लिख करके दिए हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब आप अगर कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं स्पीकर महोदय, तो हमारे पास रास्ता खुला हुआ है। अब खुद कह दिया तो स्पेसिफिकली हम लोग जा करके फिर लाएंगे। अब तो कम से कम स्पीकर साहब को निर्णय ले लेना चाहिए ना। ठीक है, उनकी मर्जी, एक बार फिर सब जितना लाखों लोग आए ना सबके यहाँ ईडी सीबीआई भेज दे, बता देगा लोग। जरा 10 लाख से ऊपर जो लोग आए हैं जरा सबसे पूछताछ कर ले। अभी आप आपको एक बात समझना पड़ेगा। हाँ पूछिए। जैसे लालू जी ने बयान दिया हिंदू नहीं है, उनको संतान नहीं है, बीजेपी में कैंपेन शुरू हुआ कि मैं मोदी परिवार, फिर हिंदू है कि नहीं उसको लेकर के उन्होंने कुछ वीडियो जारी किया, कहाँ कहाँ उन्होंने पूजा और राम मंदिर। क्या लगता है 2024 में जो ये एजेंडा सेट हुआ उसमें लालू ने ही मदद किया, ये हिंदू राम मंदिर और परिवार? कोई 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 ये आपकी सोच है, मुद्दा साफ यहाँ खड़ा है, गरीबी बेरोजगारी, ये क्या है? लालू जी ने एक बात नहीं की, बहुत बातें की, लेकिन एक बात तो सही है कि अभी तक सही से जवाब कहाँ कोई दे पा रहा है। इस पे हम ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, हम लोग भी सब परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं,
हमारे घर में भी मंदिर है, सुबह शाम वहाँ आरती होती है। तो इस तरह कोई बात धार्मिक को लेकर के एजेंडा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर हमारे भी घर में कोई किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग बाल मुड़वाते हैं, हम लोग दाढ़ी छिलवाते हैं, हम लोग अपनी बेटी का मुंडन हम करा के आए, तो हम लोग तो फॉलो करते हैं ना। लालू जी ने तो बस यही पूछा, तुम इतना प्रचार करता है, नफरत फैलाते हैं, उकसाते हैं लोगों को, धार्मिक भेदभाव आप कराते हैं, आपस में राम और रहीम के बंदों को लड़ाते हो, तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? इतना बड़ा आप अगर बात करते हैं तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? यही तो बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद।